नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों से संवाद करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग बृहस्पतिवार से नई दिल्ली में। सेना प्रमुख ने कहा, चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार के मामले से कड़ाई से निपटाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में ग्रेनेड हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 जवान घायल। हैदराबाद दोहरे बम धमाके मामले में सुनवाई अदालत ने 5 में से 2 आरोपियों को दोषी करार दिया, सजा की घोषणा सोमवार को। और रॉजर फेडरर और मारिया शारापोवा अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर, राफेल नडाल क्वार्टर फाइनल में। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों से बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल नई दिल्ली में एक समारोह में इन शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 के चयन दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों में नए कैलेवर के अनुरूप पारदर्शिता, निष्पक्षता, उत्कृष्टता और कार्य को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आधार बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साइप्रस यात्रा के अंतिम दिन आज साइप्रस विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे। वे राजधानी निकोसिया में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। इससे पहले साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए भारत के दावे का एक बार फिर समर्थन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति की साइप्रस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आर्थिक मामलों में खुफिया सूचनाओं को साझा करने और पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़े 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए। साइप्रस विश्वविद्यालय में छात्रों के संबोधन के साथ ही राष्ट्रपति कोविंद की 3 दिवसीय साइप्रस यात्रा का समापन हो जाएगा। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने भारत और साइप्रस के बीच गहरे और मजबूत संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने का प्रयत्न किया। इस यात्रा ने आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाएं पैदा की। आज देर शाम श्री कोविंद बुल्गारिया पहुंचेंगे, जहां व्यापारिक जगत के लोगों से उनकी मुलाकात होगी और भारतीय समुदाय उनका स्वागत करेगा। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, साइप्रस। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 संवाद बृहस्पतिवार को होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन अमेरिकी विदेश मंत्री आर पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगी। सूत्रों ने बताया है कि बातचीत के दौरान आतंकवाद से निपटने, व्यापार और आवर्जन सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत पाकिस्तान पर अमरीका के विचार भी जानना चाहेगा। सूत्रों के अनुसार भारत की अमेरिका के साथ वैश्विक कूटनीतिक सहभागिता है और ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत इसमें और वृद्धि हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कल दिल्ली आएंगे। इनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की आशा है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। अरे आंटी, आपके घर में हरा नीला है क्या? हरा नीला? हेलो अरोरा जी, आपके घर पे हरा नीला है क्या? ओके हुंदा है। हेलो जी, वो सब जो मुझे रेडियो पर सुन रहे हैं, आपके घर हरा नीला है क्या? नहीं है। यानी आप अपने घर का कचरा अलग अलग करके नहीं देते। हरा डस्टबिन गीला कचरा, जैसे कि फलों के छिलके, अंडे के छिलके आदि के लिए, और नीला डस्टबिन सूखे कचरे जैसे कि थर्मोकोल, प्लास्टिक, पेपर आदि के लिए। हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी में दीजिए अपनी भागीदारी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अपने शहर को आगे बढ़ाएं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जोर देकर कहा कि मेजर लिटिल गोगोई की किसी भी चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार के मामले से कड़ाई से निपटा जाएगा। नई दिल्ली में एक समारोह से इतर जनरल रावत ने कहा कि सैन्य अदालत ने सेना को इस मामले में कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि अपराध के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि यदि चरित्रहीनता का मामला पाया जाता है तो उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। श्रीनगर के एक होटल में 18 वर्षीय एक महिला के साथ कथित रूप से प्रवेश करने का मामला सामने आने के बाद मेजर गोगोई विवाद के घेर में घिर गए थे। जनरल रावत ने देश के खिलाफ सोशल मीडिया के व्यापक इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की है। जनरल रावत ने कहा,
हमारे जो एडवर्सरी है वो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको भी अपनी तकनीक इस्तेमाल करके सोशल मीडिया को काउंटर करना पड़ेगा और सोशल मीडिया को अपने एडवांटेज के लिए इसको अपने जवानों को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने अफसरों को एजुकेट करना पड़ेगा और हम इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसके जरिए हम सोशल मीडिया को भरपूर तरीके से अपने एडवांटेज के लिए इसे इस्तेमाल कर सकें। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आज सवेरे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गश्ती दल पर आतंकवादियों के हथगोला हमले में 4 जवान घायल हो गए। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि गंभीर रूप से घायल एक जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। हमलावरों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी तक किसी भी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हैदराबाद में 25 अगस्त 2007 में हुए दोहरे बम धमाके के सिलसिले में सुनवाई अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है कि जबकि 2 अन्य को बरी कर दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी के मामले में अपना फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रखा है। दोषियों के लिए सजा की घोषणा भी उसी दिन की जाएगी। एक रिपोर्ट। हैदराबाद में दोहरे बम धमाके के मुकदमे में आज निचली अदालत ने 11 साल बाद फैसला सुनाया है। धमाके में 42 लोग मारे गए थे तथा 50 घायल हो गए थे। 2007 में हुए धमाके ने सारे देश को दहला दिया था। सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए इस साल की शुरुआत में नामपल्ली अदालत ने मामला चेरापल्ली केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया था। मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2013 में इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इन पर हत्या संबंधी धारा 302, विस्फोटक पदार्थ कानून संबंधी धारा और भारतीय दंड संहिता की अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए थे। एक आरोपी अब भी फरार है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। उच्चतम न्यायालय ने वेदांता समूह को तूतीकोरिन स्टरलाइट संयंत्र के प्रशासनिक खंड तक जाने की अनुमति देने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार की अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा है कि याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। तमिलनाडु सरकार ने एनजीटी के 14 अगस्त के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश के कई भागों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 48 घंटों के दौरान तेज वर्षा के कारण राज्य में 33 लोगों की मौत हो गई है जबकि 24 लोग घायल हैं। भारी बारिश की वजह से 800 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राजधानी लखनऊ सहित राज्य के विभिन्न भागों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और यातायात पर असर पड़ा है। बुंदेलखंड और प्रदेश के पश्चिमी भागों में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है। जालौन जिले में करही बांध के दरवाजे कल खोल दिए गए जिसके बाद आए पानी से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। माता टीला बांध से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियां उफान पर हैं जिससे कई गांवों पानी भर गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केरल में रैट फीवर यानी लेप्टोस्पायरोसिस से कुछ और लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद 3 सप्ताह के लिए हाई अलर्ट कर दिया गया है। कल 7 लोगों की मृत्यु होने के बाद पिछले 3 दिन में इस रोग से मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि केरल के स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा ने आपात बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सभी चिकित्सा अधिकारियों को बीमारी से लड़ने के 30 दिन के माइक्रो एक्शन प्लान पर अमल करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि इन बीमारियों के लक्षण के साथ आने वाले मरीजों का उपचार किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी पंचायतों में 20 घरों के लिए आरोग्य सेना बनाने का भी निर्देश दिया है ताकि इन घरों के लिए पानी के स्रोतों में क्लोरीन डाला जाना सुनिश्चित किया जा सके। तिरुवनंतपुरम से शमेला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता। नागालैंड में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल आज राज्य का दौरा कर रहा है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव केबी सिंह के नेतृत्व में ये दल दीमापुर, वोखा, कोहिमा और फेक जिलों में सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। ये दल प्रभावित लोगों से बातचीत भी करेगा। नागालैंड में जुलाई से हो रही भारी वर्षा से आई बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। ओडिशा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शुरू हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। कल वित्त वर्ष 2018-19 का पहला पूरक बजट पेश किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने समाज में बालिकाओं के प्रति भेदभाव और लड़के लड़कियों के अनुपात में असंतुलन दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। विशाखापत्तनम में इस योजना से जीवन स्तर में सुधार और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। हमारे विशाखापत्तनम संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तीन मंत्रालयों महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का साझा प्रयास है। विजयनगरम जिले की पोलम्मा ने संतोष व्यक्त किया है कि कार्यक्रम के तहत उन्हें आर्थिक मदद दी गई। माई नेम इज पोलम्मा। मेरा नाम पोलम्मा है, मेरा एक बच्चा है। विजयनगरम अस्पताल में प्रसव के दौरान मुझे 1000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे मुझे पौष्टिक आहार लेने और दवाइयाँ खरीदने में मदद मिली इन नीडी टाइम्स। परिवार और समाज में लड़कियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ANMs, आशा, गैर सरकारी संगठनों, स्व सहायता समूहों और जन प्रतिनिधियों की मदद ली जा रही है। विशाखापट्टनम से श्रीनिवास महेश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। रॉजर फेडरर अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल से बाहर हो गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जॉन मिलमैन ने फेडरर को 3-6, 7-5, 7-6, 7-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में आज जुआन डेल पोत्रो का मुकाबला जॉन इस्नर से होगा। राफेल नडाल भी कल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जहां उनका मुकाबला डोमिनिक थीम से होगा। महिला सिंगल्स में 5 बार की चैंपियन रूस की मारिया शारापोवा प्री क्वार्टर फाइनल में हार गईं। उन्हें स्पेन की कार्ला सुआरेज नवारो ने 6-4, 6-3 से हराया। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्लोइन स्टीफेंस का मुकाबला आज रात लातविया की अनास्तासीजा सेवास्तोवा से होगा और कल सेरेना विलियम्स का सामना कैरोलिन प्लिस्कोवा से होगा। खेल और युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुडापेस्ट में हुई विश्व युवा मुक्केबाजी प्रतियोगिता के पदक विजेताओं से आज मुलाकात की। विजेताओं से बातचीत के दौरान श्री राठौड़ ने कहा, अभी बॉक्सिंग के अंदर एशियाई खेल हुए, राष्ट्रमंडल खेल हुए और आगे चल के ओलंपिक्स में आप देखिएगा किस तरह से हमारे बॉक्सर्स लड़के और लड़कियां सब आगे बढ़ रहे हैं। ये यूथ टीम है भारत की बॉक्सिंग की, 18 साल से कम उम्र वाले, और ये अभी बहुत सारे पदक जीत कर आए। 10 लड़कियों ने पार्टिसिपेट करा, उसमें से 8 के पदक आए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। ये सब प्रतीक हैं जो हजारों लाखों लड़कियां जो घर से बाहर निकलकर अलग अलग क्षेत्र में जाकर अच्छा करना चाहती हैं। पाकिस्तान में आज नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। सत्तारूढ़ दल तहरीक इंसाफ ने आरिफ अलवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। विपक्षी दल संयुक्त उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सके हैं, इसे देखते हुए श्री अलवी का जीतना तय है। निवर्तमान राष्ट्रपति ममनून हुसैन का कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया जा रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति नंद बहादुर पुन ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस सम्मेलन का विषय है आर्थिक सशक्तिकरण की शुरुआत समानता से। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सफल लोगों, महिला उद्यमियों, पेशेवरों, अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाताओं, संसाधन संगठनों, विशेषज्ञों और सरकारी प्रतिनिधियों को विचार विमर्श और सहयोग के जरिए नवाचार आर्थिक परिवर्तन के लिए एक मंच पर लाना है। जापान में भीषण समुद्री तूफान जेबी के कारण तेज हवाओं और भारी वर्षा से आज कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। नागोया और ओसाका हवाई अड्डों से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित करीब 600 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारतीय रेलवे ने ई मोबिलिटी पर एक सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। रेलवे में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल पर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि बिजली के अधिकतम इस्तेमाल के लिए आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों से संवाद करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग बृहस्पतिवार से नई दिल्ली में होगा। सेना प्रमुख ने कहा है कि चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार के मामलों से कड़ाई से निपटाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में ग्रेनेड हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 जवान घायल हो गए हैं। हैदराबाद दोहरे बम धमाके मामले में सुनवाई अदालत ने 5 में से 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा की घोषणा सोमवार को होगी। और रॉजर फेडरर और मारिया शारापोवा अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। राफेल नडाल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।